झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों से आम आदमी को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें गिरकर 6 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। ब्रेंट क्रूड का भाव 4% लुढ़ककर 96.78 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। ये फरवरी 21 के बाद सबसे निचला स्तर है। इस बीच ओपेक प्लस की सितंबर से 1,00,000 बैरल रोजाना तेल बढ़ाने पर सहमति बनी है। वहीं अमेरिकी आंकड़ों से पता चला है कि पिछले हफ्ते क्रूड ऑयल और गैसोलीन के भंडार में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है। सप्लाई बढ़ने से क्रूड की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल सस्ता हो गया है। तेल के सस्ता होने से भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। वहीं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता का कहना है कि हमने देखा है कि पिछले 3 महीने में MCX पर क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 18% की गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड में 18% की गिरावट देखने को मिली है और ये 96.69 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। बता दें कि इस साल मार्च में ब्रेंट क्रूड 138 डॉलर प्रति बैरल के हाई पर पहुंचा था और स्पॉट मार्केट में WTI मार्च 2022 में 126.34 डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। उन्होंने साथ में ये भी कहा, कच्चे तेल की कीमतों में ये करेक्शन उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए अच्छा है जो भारत की तरह ही कच्चे तेल का आयात कर रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 से 5 रुपए तक कम हो सकती है। साथ ही अनुज गुप्ता का कहना है कि महंगाई भी नियंत्रण में है क्योंकि पिछले 2 महीनों में मानसून में सुधार के कारण एग्री कमोडिटी की कीमतें निचले स्तर पर आ गई हैं। उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कच्चे तेल की कम कीमतें भी अच्छी होंगी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा और आगामी त्योहारी सीजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। हमारा विचार में अर्थव्यवस्था पर ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, ऐसा अनुज गुप्ता का कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। ओपेक प्लस देशों की हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। ओपेक प्लस ने सितंबर से रोजाना 1,00,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। डिमांड घटने और सप्लाई बढ़ने का असर कीमतों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।